संबंधित, सीधे आपको राजीव के पास ले चलते हैं। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि विधानसभा उपचुनाव से जुड़ी हुई खबर है, वोट डाले जा रहे हैं। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई है। बड़ी खबर आपको देते हैं कि लगातार जनता निकल रही है घरों से बाहर और वोट डालने के लिए पहुंच रही है। तो जो वोट डाला जा रहा है, इस बीच में अब आंकड़े भी जो सामने आए हैं वो भी आपको दिखा देते हैं। 11 बजे तक का जो आंकड़ा है वो आ गया, 11 बजे तक का ये आंकड़ा है 13.68% आंकड़ा पहुंच गया। पहले 7.87% था 9 बजे तक, लेकिन अब आंकड़ा बढ़ गया है, 13.68% हो गया है 11 बजे तक का ये आंकड़ा है जो अब सामने आया। हम आपको सिलसिलेवार सीट बाय सीट बताने जा रहे हैं अब आंकड़ा कि कितना है वोटिंग परसेंटेज किस सीट पर। बात सबसे पहले देवरिया की, 11 बजे तक 18% हो गया है, 18.1% हो गया है देवरिया पर, जहां पर पहले 7 के करीब था लेकिन अब 18.1% 11 बजे तक, यानी कि लोग निकले हैं घरों से बाहर और उन्होंने वोट डाला है। अब बात करते हैं बांगरमऊ सीट के, बांगरमऊ सीट का आंकड़ा आपके सामने 22.24%। बांगरमऊ में आंकड़ा और बढ़ा है, दोगुनी से ज्यादा रफ्तार से बढ़ रहा है, 22.24%। यही दर्शाता है कि बांगरमऊ की जनता तो बेहद उत्साहित है अपने नए विधायक के लिए। अब बात नौगांव सादात सीट की कर लेते हैं। नौगांव सादात सीट की अगर हम बात करें तो 23% यहां आंकड़ा पहुंच गया है, ये बेहद अच्छा आंकड़ा अगर हम 11 बजे तक के हिसाब से देखें, यानी कि 4 घंटे की वोटिंग में 23% आंकड़ा पहुंचा है। उम्मीद की जा रही है कि 70 तक तो पहुंचे और उससे ज़्यादा पहुंचे तो और अच्छी बात है। 23% आंकड़ा नौगांव सादात सीट। अब बात कर लेते हैं टुंडला सीट की, फिरोजाबाद की, टुंडला सीट पर आंकड़े कह रहे हैं 10 का आंकड़ा है और ये 9 बजे तक का आंकड़ा है, 10 है, अच्छा आंकड़ा है। 11 बजे तक का आंकड़ा भी यहाँ से आया नहीं है, अब जो आंकड़ा आएगा वो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन ये 9 बजे तक है इसलिए हतोत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है, ये आंकड़ा बढ़ेगा। और टुंडला की जनता से एबीपी गंगा यही अपील करेगा, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना आपका। तो टुंडला की ये स्थिति हमने आपको दिखाया, अब सीधा रुख करते हैं हमारा संवाददाता नितिन का, लेकिन आस्था भी हमारे से जुड़ी है। आस्था, चलिए टुंडला से सीधा नितिन संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख करेंगे। हालांकि 11 बजे तक का फ्रेश अपडेट हमारे पास नहीं है, लेकिन बात अगर 9 बजे तक की करें तो 10% मतदान हुआ है। टुंडला वो जगह जहां पर बहिष्कार की भी खबरें आई, शमशान की जमीन नहीं मिली इसीलिए लोगों ने वोटिंग का बहिष्कार किया, कई जगह ईवीएम जो थी वो खराब आई, इंजीनियर्स को बुला के ठीक कराना पड़ा। तो ऐसे में आंकड़ा आए उससे पहले नितिन लोगों की भीड़ देखकर ही कुछ अंदाजा लग सके कि दरअसल कितना रुझान, कितना उत्साह लोगों में नजर आ रहा है टुंडला में। देखिए आस्था, बिल्कुल बड़ी खबर यह है कि रुधव मुस्तकिल जो गांव है वहां सुबह से एक भी वोट ग्रामीणों ने नहीं डाला है, और आप देख सकते हैं कि तमाम जो मतदान कार्मिक हैं सुबह से ऐसे ही बैठे हुए हैं, क्योंकि गांव के लोगों में ज़बरदस्त गुस्सा है क्योंकि कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ है। एसपी सिंह बघेल यहां से 2017 में विधायक चुने गए, उससे पहले 2 बार बीएसपी के विधायक रहे, और लोगों ने जो जितने भी यहां से जो लोग चुनकर गए उन लोगों ने यहां की जनता को ठगा है, और यही वजह है कि आप देख सकते हैं कि ये लोकतंत्र के लिए बहुत कहा जाए एक मनहूस बात कही जाएगी। लोगों में जो आक्रोश है यही वजह है कि सुबह से एक वोट नहीं हुआ है। आला अधिकारी, जिलाधिकारी और एसएसपी, डीएम, एसएसपी को यहाँ मौके पर लोग बुलाने के लिए अड़े हुए हैं, और ग्रामीण का यही कहना है ग्रामीणों का कि उनके गांव में कोई भी सरकारी योजना का लाभ नहीं पहुंच रहा है। यही वजह है कि वो लोग इस बात पर इस दिन को इंतज़ार कर रहे थे कि जिस दिन वोटिंग होगी उस दिन वो यहाँ आएंगे और वो यहाँ मतदान का वो बहिष्कार करेंगे। इसके साथ ही कोटला के कछपुरा गाँव में भी शमशान को लेकर वहाँ भी लोगों ने मतदान बहिष्कार किया है। तो आप समझ सकते हैं कि योगी सरकार भले ही बड़े बड़े बातें करे लेकिन ग्रामीण धरातल पर क्या योजनाओं का लाभ पहुंच पा रहा है ये बड़ी बात है, और यही वजह है कि रुधव मुस्किल गांव आप देख सकते हैं किस तरह से बहुत ही ये पिछड़ा गांव है, और टुंडला के लाइन पार इलाके में ये गांव पड़ता है। इन लोगों ने सुबह से एक वोट नहीं डाला है और ये लोग लगातार बहिष्कार कर रहे हैं। तमाम जो आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं वो लोग आप देखिए किस तरह से तमाम जो ग्रामीण हैं यहाँ मौके पर मौजूद हैं उनसे पूछते हैं, आप बताइए आपने सुबह से आपने वोट नहीं किया ना? बिल्कुल नहीं किया सुबह से, वोट नहीं किया, एक भी वोट नहीं डाला आपने? नहीं। क्या वजह है, क्यों नहीं डाला? हमारा मुख्य कारण खारा पानी और हमारा सड़क का निर्माण नहीं है। अच्छा, खरंजे पक्के नहीं है? बिल्कुल नहीं है। सब कोई खरंजा नहीं है, कोई नाली नहीं है, कोई लेटरिंग नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। जब प्रधान के पास जाते हैं कोई कहते हैं कहता है जूतों से मारो, बुनियादी सुविधाओं का अभाव है, और उसी को लेकर जो गुस्सा है वो लोगों में साफ तौर पर देखा जा सकता है। उनका कहना है नाले नहीं है, ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, शौचालय की व्यवस्था नहीं है, खारा पानी उनके यहाँ पर आता है, सड़कें टूटी हुई है, खरंजे तक नहीं बने हुए हैं। तो बहुत ही दयनीय स्थिति में ये लोग खुद को होने का दावा कर रहे हैं, और उनका कहना है हम वोट नहीं डालेंगे। और अब बुलंदशहर सीट को लेकर ताजा आंकड़ा क्या आ रहा है उसके लिए राजीव का रुख करते हैं। राजीव, क्या है ताजा आंकड़ा?
अन्य सीटों का हमने हाल बताया, अन्य सीटों पर वोटिंग परसेंटेज हमने बताए, जहां पर 11 बजे तक आंकड़ा है वो दर्शकों के बीच में रखा है। लेकिन अब बारी है बुलंदशहर की, आंकड़ा है आपके सामने, आंकड़ा है 19.17 और लेकिन ये 9 बजे तक का है, ये 9 बजे तक का बताया जा रहा है कि आंकड़ा है 19.17। 11 बजे तक का जो आंकड़ा है वो आएगा और वो भी हम अपडेट करेंगे और वो भी अपडेट करके आपको बताएंगे। तो ये बुलंदशहर का आंकड़ा जो दर्शा रहा है कि 19.17% वोटिंग यहाँ पर हुई है, यानी कि यहाँ पर भी जनता निकली है वोट डालने के लिए। तो ये बुलंदशहर का आंकड़ा है, ये 11 बजे तक का है, माफ कीजिएगा 9 बजे हमने बताया था तो अपडेट कर दिया है, 11 बजे तक का ही ये आंकड़ा है 19.17%, क्योंकि 9 बजे तक का जो आंकड़ा था वो 8% के करीब था, एग्जैक्ट 8 उस वक्त संख्या थी जब 9 बजे हमने आपको आंकड़ा दिया था। अब ये 11 बजे तक का आंकड़ा है 19.17% है। आशा जी हाँ बिल्कुल, तो 19.17% वोटिंग 11 बजे तक हो गई है और 9 बजे तक ही 8% थी। रुक करेंगे बलराम पांडे का, हमारे साथ बुलंदशहर से जुड़े हुए हैं। बलराम, मतलब 9 से 11 बजे के बीच में ऑलमोस्ट डबल हो गया है मतदान प्रतिशत, 8% था अब 19.17% पर है, यानी दोगुने से भी ज्यादा। फिलहाल क्या कतारें आपको नजर आ रही है पोलिंग बूथ के बाहर? देखिए आस्था, अगर हम बुलंदशहर के सदर विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर सुबह से ही जो मतदाता हैं वो धीरे धीरे पोलिंग बूथों पर पहुँच रहे थे, लेकिन 9 बजे के बाद जो मतदाता हैं उनके आने की संख्या बढ़ी है और यही वजह है कि सुबह 9 बजे तक अगर हम मतदान प्रतिशत की बात करें तो 7.88% मतदान हुआ था, लेकिन 9 से 11 बजे के बीच अगर हम बात करें मतदाता की जिन्होंने मतदान किया है तो कुल 4 घंटे में टोटल जो आंकड़ा है वो पहुंच गया है 19.17%। तो यानी कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि जो मतदाता है वो धीरे धीरे अब पोलिंग बूथ की तरफ रुख कर रहे हैं और मतदान कर रहे हैं। इस वक्त हम जिस बूथ पर मौजूद हैं वहाँ का हम नज़ारा भी दिखाने की कोशिश करेंगे कि आप देख सकते हैं धीरे धीरे जो लोग हैं वो पोलिंग बूथ पर आ रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। जो लोग वोट देकर के बाहर आ रहे हैं हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार उन्होंने जो अपने मताधिकार का प्रयोग किया है उन किन मुद्दों पे बात की है और किन मुद्दों को ध्यान में रखा है। आपने वोट दिया? हाँ जी, हाँ जी। कितने बजे वोट डाला था? 11 बजे। अच्छा ये बताइए किन मुद्दों को ध्यान में रखा था आपने? अपने शहर की विकास के लिए हमने ये सोचा। आपने भी वोट कर दिया? जी बिल्कुल कर दिया। कितनी खुशी हो रही है वोट देने? नहीं देखिए, ये हमारा अधिकार तो है ही, साथ में कर्तव्य भी है और हमें अपने शहर के लिए विकास के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम मतदान करें। कोरोना काल चल रहा है माता जी, आपकी एज भी काफ़ी ज़्यादा है लेकिन आप फिर भी पोलिंग बूथ पहुँची हैं मतदान करने। हाँ बहुत बढ़िया, डाल दे अपने विकास के लिए, बुलंदशहर के लिए। वोट डाल दिया आपने? जी। आपने मतदान किया माता जी? कर दिया, हाँ अभी करके आ रहे हैं। अच्छा आपने कई बार मतदान किया होगा लेकिन इस बार का जो मतदान आपने किया है वो कितना अलग रहा, क्योंकि ये कोरोना काल का मतदान? कोरोना की वजह से अलग रहा ये, इसलिए सब धीरे धीरे आ रहे हैं। सुविधाएं अंदर पूरी तरीके से व्यवस्थित थी? सही है, बहुत बढ़िया। तो ये आप तस्वीर देख सकते हैं कि धीरे धीरे जो कतारें हैं वो पोलिंग बूथ के बाहर भी आपको नजर आएंगी और लोगों का जो रुझान है वो मतदान की तरफ बढ़ता जा रहा है, बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन उसके साथ साथ ध्यान रखना है कि जिसका जिक्र बलराम आपने सवाल में भी किया उन माता जी से, वो ये कि कोरोना भी हमारे बीच में है इसीलिए मास्क का प्रयोग बेहद जरूरी है, लोगों को भी ध्यान रखना है और साथ ही साथ जो कैंडिडेट्स वहां पर आ रहे हैं जिनके चेहरे पर मास्क नहीं है उनको भी ये जिम्मेदारी बनती है कि सबका दिशा निर्देशों का पालन करना है। लेकिन 11 बजे तक के क्या आंकड़े हैं वो जानने के लिए सीधा राजीव का रुख करते हैं। राजीव, एक एक विधानसभा क्षेत्र से बताइए 11 बजे तक का कितना मत प्रतिशत आया अभी तक? जी हम आशा हमने दर्शकों को बताए हैं लेकिन अब बारी है कानपुर की घाटमपुर सीट की, उसके बाद हम बाकी जो सीट्स हैं उन पर क्या हाल है वो बताएंगे। लेकिन अभी देखिए घाटमपुर में जो 11 बजे तक का आंकड़ा है ये आंकड़ा है 14.76। घाटमपुर में आपको बता दूं जब 9 बजे का आंकड़ा आया था तब था 5, लेकिन बढ़ गया है और यहाँ पर भी दोगुनी से ज़्यादा रफ्तार है 14.76, यानी कि 4 घंटों का जो आंकड़ा है वो 14.76% है आस्था। जी हाँ बिल्कुल, 9 बजे तक 5% और 11 बजते बजते 14.76% हो गया है। सीधे रुक करते हैं प्रभात अवस्थी का। प्रभात, आप देखिए 3 गुना से भी ज़्यादा उछाल आया एकदम से 2 घंटे के बीच में, तो मतलब लोगों में उत्साह बढ़ा है और सबसे बड़ी बात ये कि क्या पोलिंग बूथ के बाहर यहाँ डिस्टेंसिंग देखी जा रही है, व्यवस्था किस तरह से चल रही है, किसी और शिकायत या ईवीएम में गड़बड़ी जैसी कोई कंप्लेंट दोबारा आई क्या?
जी बिल्कुल आस्था, आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरह से 9 बजे तक का आंकड़ा आया था उसने कहीं ना कहीं हैरान करने का काम किया था, लेकिन अब जो आंकड़ा है 11 बजे का वो 14.76 है, यानी कि बहुत तेज़ी से उछाल हुआ है। जिस तरह से शुरुआती दौर की बात की जाए तो शुरुआती दौर में जो अधिकारी खुद बता रहे थे कि 15 से 16 जगह तक EVM जो है वो खराब हुई थी, जिसके चलते जो मतदान है वो आधे से 40 मिनट तक लेट शुरू हुआ, लेकिन जो कतारें थी वो काफ़ी लंबी लंबी थी क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, लिहाजा काफ़ी देर लग रही है वोट डालने में, तो परसेंटेज है वो काफ़ी धीमी गति से बढ़ रहा है। यही वजह है कि 1 घंटे पोलिंग का टाइम भी बढ़ाया गया है, क्योंकि 2 गज की दूरी, साथ ही साथ थर्मल स्क्रीनिंग, उसके बाद सैनिटाइजेशन और फिर ग्लव्स, उसके बाद जो मतदाता है वो अंदर जाता है और उसके बाद वो वोट डाल पाता है। अभी भी आप पोलिंग बूथ पर देख सकते हैं कि लोगों का उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है, और कतारें जो हैं वो अभी भी लगी हुई हैं, लोग निकल रहे हैं, और ये इस बात का संकेत है कि अभी जो वोटिंग प्रतिशत है वो काफ़ी बढ़ सकता है, क्योंकि जिस तरह से 11 बजे तक की अब वोटिंग परसेंटेज आया और ये लगभग 15% पहुँच गया है, तो उम्मीद है कि जो अगले 2 घंटे बाद वोटिंग परसेंटेज आएगा वो काफ़ी बढ़कर आ सकता है, क्योंकि जो लोग लाइन में लगे हुए हैं वो भी लगातार वोट डाल रहे हैं, और पहले जो शुरुआती दौर था तो कई EVM जो है वो खराब थी शुरुआती समय था, अब लोग धीरे धीरे तेजी ला रहे हैं काम में, तो थोड़ा धीरे धीरे जो ये वोटिंग की शिकायत दोबारा नहीं मिली है, ये राहत की बात है, क्योंकि कानपुर में 4 जगह से शिकायत मिली थी EVM में खराबी की, और 2 जगह तो वोटिंग शुरू भी नहीं हो पाई थी शुरुआती 1 घंटे में। तो फिलहाल 7 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है और उन 7 सीटों की 7 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखाने जा रहे हैं। देखिए किस तरह की तस्वीरें हमें अलग अलग जगहों से मिल रही है, कानपुर, अमरोहा, उन्नाव, बुलंदशहर, देवरिया, जौनपुर और फिरोजाबाद, ये 7 क्षेत्र हैं जहां पर आज वोटिंग हो रही है। सुबह 9 बजे तक 8% मतदान हुआ है और 11 बजे तक 19.17%, मतलब लगभग 2 गुने से ज्यादा मतदान अगले 2 घंटे में देखा गया है। तो सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान, मास्क जरूरी है, सैनिटाइजेशन जरूरी है, और खास बात यह कि EVM मशीन टच करने से पहले लोगों को एक ग्लव मुहैया कराया जा रहा है ताकि बटन को हाथ से ना छूना पड़े, क्योंकि जितने भी लोग आएंगे उन्हीं बटन्स को प्रेस करेंगे, तो इसीलिए कोरोना काल में ये सारी एहतियात बढ़ती जा रही है। और इस वक्त एक बड़ी खबर भी हमें मिल रही है, उस बड़ी खबर के लिए सीधा रुख करेंगे राजीव का। राजीव, क्या बड़ी खबर है आपके पास? आस्था, बड़ी खबर उन्नाव से है, और बड़ी खबर ये है कि यहाँ पर भी बहिष्कार किया लोगों ने, वोटिंग का बहिष्कार कर दिया है लोगों ने, उन्नाव में वोटिंग का बहिष्कार किया है, यहाँ पर भी लोगों में नाराजगी है। ऊंचा गाढ़ा गांव में वोटर्स ने बहिष्कार कर दिया है, लोगों ने बहिष्कार किया है। और आपको ये बता दें कि फतेहपुर 84 ब्लॉक में ये ऊंचा गाढ़ा गांव है और नाराजगी है लोगों में, इसीलिए बहिष्कार किया है। सड़क और गांव का विकास नहीं होने की वजह से गुस्सा है। सुबह 7 बजे से अभी तक यहाँ पर एक भी वोट नहीं पड़ा है, सुबह 7 बजे से लेकर अभी तक एक भी वोट नहीं पड़ा है, 5 घंटे का वक्त होने जा रहा है। और अनुभव शुक्ला हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अनुभव, ऊंचा गाढ़ा गांव क्या नाराज किया, क्यों नहीं एक भी वोट पड़ा, अधिकारी क्या कर रहे हैं फिर? देखिए, ये फतेहपुर 84 ब्लॉक का ये ऊंचा गाढ़ा गांव है, वहां पर ग्रामीण नाराज हैं और उनका साफ तौर पर कहना है, चूंकि सड़क का वादा बहुत पहले किया था लेकिन आज तक सड़क नहीं है, विकास की बात जो हो रहा है ऊंचा गाढ़ा गांव, इसीलिए उन्होंने मतदान का ये जो उपचुनाव हो रहे हैं इसमें बहिष्कार किया है। हालांकि वहाँ पर CDO जो हैं वो पहुँचे हुए हैं और वो इस समय ग्रामीणों को मना रहे हैं, उनकी कोशिश यही है कि ग्रामीणों को मना लिया जाए। वहाँ पर एक पोलिंग बूथ है केवल और वहाँ तकरीबन 150 से 200 वोट बताए जा रहे हैं कि उस गांव में है, और इसीलिए CDO वहाँ पहुँच गए हैं, वो बात कर रहे हैं गाँव वालों से और ये आश्वासन दे रहे हैं कि जब ये प्रक्रिया ख़त्म हो जाएगी इलेक्शन की, उसके बाद ज़रूर उनकी जो कंप्लेन है उस पर प्रशासन काम करेगा, शासन काम करेगा। लेकिन अगर हम ओवरऑल बांगर मऊ की बात कर लें तो हमें खासा उत्साह यहाँ देखने को मिल रहा है, क्योंकि अमरोहा, नौगांव, शादार सीट को छोड़ दें तो उसके बाद दूसरे नंबर पर 11 बजे तक सबसे ज़्यादा वोटिंग यहीं बांगर मऊ में हुई है, 22.24% वोटिंग वो हो चुकी है, और सुबह ये तकरीबन 8.27% थी, यानी 2 घंटे के भीतर ही एक अच्छा खासा जो वोटिंग परसेंटेज है वो बढ़ा है। हम जहाँ पर मौजूद हैं जिस पोलिंग सेंटर पर, वहाँ पर अलग अलग पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, 2 पोलिंग बूथ पर तो अब काफ़ी कम लोग पहुँचे हुए हैं, लेकिन बाकी जो 2 पोलिंग बूथ है वहाँ देखिए अभी भी लाइन लगी हुई है और हर कोई अपना वोट डालने पहुँच रहा है, यानी अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए यहाँ पहुँच रहा है। और सुबह से ही हम जब यहाँ पहुँचे थे तब से लंबी लंबी कतारें थी, लेकिन अब दोपहर जैसे जैसे हो रही है वैसे वैसे मतदाता, बिल्कुल अनुभव, अच्छी तस्वीरें देखने को मिल रही है, आप नजर बनाए रखें लोग यहां पर, क्योंकि बड़ी खबर, एक इलेक्शन ब्रेकिंग इस वक्त मिल रहे हैं, उस खबर का सीधा रुख करते हैं। नाराजगी सिर्फ एक जगह पर नहीं, अमरोहा से भी अब खबर है, वोटिंग का बहिष्कार किया अमरोहा में भी लोगों ने।
अमरोहा में भी नाराजगी, नाराज हैं लोग। यहां पर आपको बता दें कि सबदलपुर गांव के लोग नाराज हैं और एक भी वोट नहीं पड़ा है, सिंगल वोट नहीं पड़ा है, एक भी वोट नहीं पड़ा है सबदलपुर गांव में। और सबदलपुर गांव के लोग भी बेहद नाराज हैं। प्रशासन गांव वालों के साथ बातचीत कर रहा है, लेकिन सवाल ये 5 घंटे में लोगों की नाराजगी को क्यों नहीं प्रशासन दूर कर पाया? जी हाँ, ये बहुत बड़ी बात है और ये खबरें बढ़ती जा रही है। मतलब अभी थोड़ी देर पहले हम चर्चा कर रहे थे कि किस तरह घाटमपुर में, कानपुर में चीजें देखी गई, और अब यहाँ अमरोहा में भी, वहीं नौगांव में भी यही बात सामने आ रही है कि लोग नाराज हो गए। सीधा रुख करते हैं यहाँ पर अविनाश तिवारी का। अविनाश, क्या वजह है लोगों की नाराजगी की? मतलब यहाँ हम देख रहे हैं उपचुनाव के अंदर अलग अलग जगहों से, अलग अलग सीटों से ये खबरें लगातार बढ़ती जा रही है, और एक सीट तो ऐसी है जहाँ 5 घंटे से एक वोट नहीं पड़ा है। अगर बात करें आस्था, तो सफदरपुर कुमाली गांव है नौगावा सदर विधानसभा क्षेत्र का, जहां पे सुबह से अभी तक एक भी वोट नहीं पड़ा है और गांव वालों ने वोटिंग का बहिष्कार कर दिया है। डीएम मौके पर पहुंचे, एसपी मौके पर पहुंचे, इसके अलावा जो प्रत्याशी हैं संगीता चौहान वो भी मौके पर पहुंची, और कांग्रेस की ओर से भी कांग्रेस के प्रदेश सचिव सचिन चौधरी भी वहां पर पहुंचे, लेकिन कोई भी गांव वाला मानने के लिए तैयार नहीं। उनका कहना है कि पिछले 20 वर्षों से लगातार चुनाव हो रहे हैं और नेता हर बार आता है यही कहता है कि सड़कें बन जाएंगी, लेकिन चुनाव के बाद भी कोई नहीं आता है। इसी को लेकर गाँव वालों ने सामूहिक वोटिंग का बहिष्कार कर दिया है, और सड़क न बनने के चलते अगर बात करें तो ये बहिष्कार किया गया है, और अभी भी गांव वालों ने यह तय किया है कि जब तक सड़क के निर्माण का कार्य नहीं शुरू हो जाएगा तब तक वो वोटिंग नहीं करेंगे। डीएम और तमाम जो लोग वहां पे पहुंचे थे प्रशासनिक अधिकारी वो अब मौके पर से जा चुके हैं, प्रत्याशी भी मौके पर से जा चुके हैं, लेकिन गांव वालों ने अब तक एक भी वोटिंग नहीं की है पोलिंग बूथ पर। सफदरपुर सुमाली गांव में एक भी वोट सुबह से अब तक नहीं पड़ा है, वोट सुबह से अब तक नहीं पड़ा है। आप देखिए, आधा दिन लगभग बीतने को है, मतलब 12 बजने जा रहे हैं और एक भी वोट आप बता रहे नहीं चढ़ रहा है। और जहां से भी ऐसी खबरें आ रही है, ज्यादातर जगहों पर लोगों का मुख्य मुद्दा है वो है रास्ता, वो है सड़क। रास्ता नहीं तो वोट नहीं, कहीं कहीं तो पानी की भी समस्या है। तो एक संदेश यहां लोगों की तरफ से देने की कोशिश की जा रही है। बाकी विधानसभा सीटों का हाल भी आपको बताएंगे। बहुत छोटे से ब्रेक का वक्त है, फौरन लौट रहे, कहीं मत जाएगा। ये मेरा बेटा जो घर बनवा